कि सदियों से बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र है जी, मगर यहाँ कोई भी दवा या डॉक्टर या नर्स या कंप्यूटर किसी चीज का मने व्यवस्था नहीं है। सिर्फ टूटा फूटा स्वास्थ्य केंद्र जो है वही दिखाई दे रहा है। यह स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ सुबह की वस्तु बनी दिखाई पड़ता है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है तो पाता है कि स्वास्थ्य केंद्र बंद है। कभी कभी स्वास्थ्य केंद्र खुलता है तो नर्स के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ दवा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे ग्रामीण में काफ़ी रोष है। किसी तरह से कोई भी दिक्कत होता है तो बिना मदनपुर के इधर कोई दवा दारू नहीं मिलता है। मदनपुर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर? यहाँ से करीब करीब लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ महिला के पर्सों का भी कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, जिसमें 10 वर्षों से महिला लोग इस समस्या से जूझ रही है। दिक्कत यही है हम लोग के कि जैसे डिलीवरी केस में लेडीज जाते हैं, मतलब रातें बिरात समस्या हुआ तो इसीलिए कि मतलब बहुत दूर जाने पड़ता है, यहाँ कोई साधन नहीं है हमारा। कहाँ दूर जाना पड़ता है डिलीवरी कराने के लिए? जाना पड़ता है 4-5 किलोमीटर दूर है, मदनपुर पड़ता है जी। तो क्या वहाँ तो हो जा, तो वहाँ कराने में क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम यही है कि जैसे अपना गांव में है हॉस्पिटल, यहीं हो जाता तो सही था। जैसे कि हम गरीब आदमी हैं तो गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है, 400-500 टेम्पू वाला रिजर्व करने में ले लेता है, तो हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? ज़रूरत पर सूद पर भी पैसा नहीं मिलता है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारे नेता लोग को भी बोले, बहुत सारे प्रतिनिधि के भी बोले, और हमारे स्वास्थ्य केंद्र का जो प्रभारी हैं उनसे भी बोला गया, लेकिन आज तक इसका आश्वासन के अलावे कुछ नहीं मिला। यह वीडियो देखने वाले साथियों से अनुरोध है कि यह वीडियो देख करके मदनपुर चिकित्सा पदाधिकारी नमल किशोर के मोबाइल नंबर 94700-30-53 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं। मैं सुरेंद्र शर्मा, ग्राम महोवा, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया, नेट के लिए।